मॉर्निंग एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग, मैं आपको बोल रही हूँ ये बात है ब्यूटीफुल से रिसोर्ट से जो लोनावला में है। मैं लोनावला आई हूँ, संडे मॉर्निंग है, ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। हम तीनों नहा धोकर फ्रेश फ्रेश जा रहे हैं। कहाँ से चले यहाँ से? और बैकग्राउंड में तो आप मौसम का सुहाना मिजाज तो देख ही रहे हैं। और सुबह के 9 बज रहे हैं, पर मौसम ऐसा है कि लग नहीं रहा है कि 9 बज रहे हैं। और 10 बजे हमारा चेकआउट टाइम है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा सा मौसम का लुत्फ उठाते हैं। सो यम्मी ब्रेकफास्ट हो चुका है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही सुंदर सा पूल था, पर मौसम इतना ठंडा था कि हिम्मत नहीं थी कि इस पूल में उतर के थोड़ा सा पूल का मज़ा लिया जाए। क्योंकि मौसम यहाँ पर ठंडा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर पाओगे, बट ना पानी बहुत ठंडा है तो नहीं हो पाएगा। और बताइए, पता है आपको, इस प्लांट को मैं बहुत दिनों से सर्च कर रही थी और ये यहाँ पर मिल गया है। ये नर्सरी वाले के पास ना ये प्लांट मिलता नहीं है, तो यहाँ पर है। अभी ये लोग क्या मुझे एक छोटी सी जड़ देंगे इस पौधे की, जिसे मैं घर पर लगा सकूँ। और ये बहते हुए पानी की आवाज़ आ रही है ना, ये वाटरफॉल है। तो जो ये पहाड़ी पर है ये रिजॉर्ट, तो जो पानी पहाड़ी से आता है उससे ये लोग ना इस तरह से रास्ता दे देकर नीचे उतार देते हैं, क्योंकि रिसोर्ट की वजह से जो पहाड़ी का पानी है वो खा जाएगा। तो ऐसे रास्ता दे देकर इन्होंने हर जगह से निकाला हुआ है। और यहाँ पर जिम भी है, ये मेरे सामने ही है। एक्टिविटी एरिया था, जिम है, सब कुछ है। मतलब एक फैमिली के लिए जैसा रिसोर्ट होना चाहिए वैसा परफेक्ट है ये। एक या दो दिन इनफ है, पर इससे ज़्यादा नहीं। और मेरा रूम एक्चुअली 2 फ्लोर नीचे है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बारिश चालू होगी मुझे फॉल दिखाना था एक छोटू सा, जो मेरे घर के यहाँ से ही, घर मेरे रूम के यहाँ से, ये देखिए दिख रहा है आपको। तो इन्होंने इस तरह से डायरेक्शंस बनाई हैं जिससे जो फॉल है वो अच्छे से निकल जाए। तो बस चेकआउट करने के लिए सारी चीज़ें पैक कर लेते हैं। और आज आपको पता है मैंने और अनिका ने ऑलमोस्ट सेम कपड़े पहने हैं। बस अनिका का जंप सूट है, मेरा ड्रेस है, और जंप सूट में मेरा बड़ा हो जाता है, हल्का सा बड़ा है। और उसके ऊपर हम दोनों ने भी डेनिम जैकेट ले रखी है, तो जो दो एकदम सेम फ्रेम। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
तो इतनी अच्छी जगह को बाय करने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड को देख सकते हैं, बादल, पहाड़ियाँ, मौसम सुहाना। ये देखिए मेरा जो रिजॉर्ट था, इसके जो ऊपर का पहाड़ी वाला एरिया है वहाँ पर भी बादल छू गए हैं। और सुबह तो मैंने अपनी जो मॉर्निंग है ना वो बादलों के बीच में ही बैठकर स्पेंड की है, ऑलमोस्ट एक घंटा। और वो देखिए आप, इतना खूबसूरत व्यू, सच्ची में लोनावला कुछ कम नहीं है। लोनावला बहुत अच्छा, और वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है ना आपको, है ना। ये देखिए तो जो पहाड़ी का पानी है उसे यहाँ पर वो कर रहे हैं, और ये जो पानी है यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा मेरे कैमरा को बोलूँ, देखिए वहाँ पर तालाब है और पहाड़ी, थोड़ा सा गांव, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस है। 360 व्यू। ब्यूटीफुल राइड। और मिस्टर राज आ गए हैं, एक्चुअली वो चेकआउट की प्रोसेस कर रहे थे, आ गए हैं। तो हम लोगों ने तो बड़े मज़े कर लिए हैं, अब हम हमारी गाड़ी को फन एक्टिविटी कराएंगे। गाड़ी आ रही है रेडी, क्योंकि रास्ते में जो यहाँ पर ऊपर नीचे रास्ते पड़ते हैं, पानी पड़ता है, सो गाड़ी का अभी फन एक्टिविटी होगा। फनी वाटर एक्टिविटी, बहुत मज़ा आती है उस समय। अगर शूट हो पाया तो मैं पक्का करूँगी, बट बिलीव मी बड़ी मज़ा आ जाती है। चलिए सामान रख दिया गया है, वो बैग भी पीछे डाल देते हैं, ये वाला चप्पल जूते वाला नहीं रहने दो, छाता है उसमें, छाता तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो चल लो लो, ये लो एक छाता रख लेना। हाँ एक दे दो, मेरे पास ही दे दो, घर जाने का मन नहीं हो रहा है यार। मैं ले जाऊँ क्या, क्या बोलते हैं, मैं यही रहूँ? ओके, मुझे परमिशन मिल गई है यही रहने की, मैं यहीं पर रह रही हूँ दोस्तों। ओहो, ये बास्केट मुझे मेरे पास रखनी पड़ती है, जिससे अली का कुछ मांगे तो मुझे, वो गाड़ी क्या गंदी हो गई, रुको मैं आ रही हूँ। लोग खुशी हो गए सब लोग, मैं रह जाऊँ बोला तो, क्या खुश हो गए हो क्या मैं रह जाऊँ बोली तो, शिव बाबा। चलो सेट हो जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। ओके, तो लोनावला खंडाला सबको बाय बाय करते हुए मुंबई का रोड चुपचाप पकड़ लिया है, और यहाँ से एग्जैक्टली एक घंटा दिखा रहा है हमारा घर। और सुबह के समय पर पता, वहाँ से जब हम लोग निकले थे रिसोर्ट से, तो भी सवा घंटा या डेढ़ घंटा ही दिखा रहा था। तो जब अभी घर जाने का मन नहीं है तो गाड़ी उतनी ही फास्ट चल रही है। मेरी मेड का फ़ोन है, चलिए मैं आपसे बात करती थोड़ी।
पहुंच चुकी हूँ जहाँ पर मुझे बिल्कुल मन नहीं था घर पहुंचने का, उतरने का भी मन नहीं हो रहा है। इतना छोटा वेकेशन कौन लेता है यार, ऐसा बड़ा हो रहा है। 12:30 बजे मैं घर भी पहुंच गई, इसलिए मुझे लोनावला नहीं जाना चाहिए था, मुझे महाबलेश्वर वगैरह जाना चाहिए था। लोनावला बहुत पास है मेरे घर से, पता भी नहीं चला जर्नी कैसे ख़त्म भी हो गई, क्योंकि रास्ते एकदम साफ थे, बिल्कुल कहीं रुकने को नहीं मिला। मैं बल्कि बिरयानी लेकर आई, पैराडाइज की हैदराबादी बिरयानी लेकर आई। चलो, और पता है जब मैं छोटी थी ना तो बड़ा शाइन मारने के लिए कभी मुंबई में वैसे स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर जैकेट वगैरह ऐसे बांध लेती थी। और आज इतने सालों के बाद, रुको निकाल रही हूँ यार, इतने साल नहीं, पानी मैंने निकाला ही नहीं था, वो आपने निकाला था। तो इतने सालों के बाद ना वापस मैंने ऐसे बांध लिया है। हाँ, मैं पकड़ रही हूँ, पानी भी नहीं साफ पकड़ रही हूँ, जा रहा है आलस, इतना आलस है। तो रास्ते में मुझे इतनी नींद आ रही थी, पर मैं रात को कंपनी देने के लिए सोई नहीं। बचपन में हम कैसे बांधते थे बेबी, किसको पकड़ू मैं, हाँ दो, ये इसमें डालना पड़ेगा, इसमें डालो डालो ऐसे, वेरी गुड, वो हाथ में दोगे क्या, अच्छा दे दिया। अरे बाप रे, कितना सामान है अरेका के पास, खत्म वन डे वेकेशन खत्म। आज है संडे, अभी भी आधा संडे बाकी है, टीवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और कल अनिका की स्कूल की छुट्टी हो गई है मंडे को भी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। कल ईद है, मुझे भी नहीं पता, लेट मी सी, कल ईद है क्या है मुझे भी नहीं पता। मुबारक नहीं, शायद बकरी ईद है। मुबारक नहीं, बकरी ईद है, मतलब ईद को मुबारक बोलते हैं, भी ईद में सब लोग ईद मुबारक बोलते हैं। ये बाल देखिए मेरे मुंह में घुस गए हैं, और मेरे दोनों हाथ बिजी है जो मैं बाल निकाल नहीं पाऊंगी अपने मुंह से। चलिए बाय। तो आपको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है, और 15 अगस्त के लिए बहुत अच्छी सेल चल रही है फ्रोज़न होटल में, तो मैं लेकर आई हूँ 50% ऑफ में, कोई भी चीज़ें लो 50% ऑफ में मिल रही है। सो ये चोको नटी बार लेकर आई हूँ मैं, जो कि 50% ऑफ में मिला है। देन ये रेनबो वाला संडे लेकर आई हूँ, अनिका का है ये, लो बेटा ये तुम अपना पहले खाओ, पिघल जाएगा। और ये एक डेट्स एंड नट्स शेक लेकर आई हूँ, तो कल भी है ये 15% ऑफ का मैंने ला, इतनी अच्छा ये देखो, ये क्या है ना, डबल दाम करके 50% ऑफ कर दो। नहीं, डबल दाम करके नहीं है, नहीं बेटा ये देखो ना, कहा गया तुम्हारा फोन, ये देखो, ये है ना इसका, ये है, नहीं नहीं ये मेरा है या अनिका का है, ये मैंने एक्स्ट्रा लेकर आई रात के लिए। क्या है ये? डेट्स एंड नट्स का शेक है। एक्चुअली आपको डेट्स पसंद है ना, कैसा है बेबी? डेट का कलर ही नहीं आया इसमें, कैसा है, कैसा है? इट्स फॉर लाइक कि मैं असली का रेनबो खा रही हूँ, पूरा रेनबो ही। चलो मैं भी चेक करो कैसा है, दिखाओ। ये तो ब्लूबेरी है। सो बैक टू किचन, वही अपना डिनर बनाओ, खाना खाओ, डिनर बनाओ, वही वाला रूटीन वापस एक दिन के बाद स्टार्ट हो गया, तुरंत ही बात चालू हो गया, ज़्यादा दिन बाद नहीं। आज एज यूजुअल अलादीन देख रहे हैं, भिंडी कट रही है, क्योंकि इस घर में सिर्फ और सिर्फ भिंडी की सब्जी है, बाकी की सब्जी ऑर्डर कर दी है, कल बिग बास्केट से आ जाएंगी, पर अभी भिंडी है तो भिंडी बनेगी, तो भिंडी बनाऊँगी आज के डिनर में, और वही दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि दो दिन होटल का खाना खाकर आए हैं तो कुछ सिंपल सा ही चाहिए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल आने के बाद व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि हमने थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा रिलैक्स किया, खाना खाया और फिर आराम से सो गए। और जो सोए तो अच्छा खासा सोए क्योंकि थकान तो थोड़ी सी थी ही, एक डेढ़ घंटे वाले ट्रैवलिंग की, ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं की थी पर फिर भी थकान थी। सो आज अनिका का हॉलीडे है और आज है ईद, तो मेरी तरफ से आप सबको बकरीद की बहुत सारी शुभकामनाएं, मुबारकें, है ना, बकरीद मुबारक हो आपको। और आप भी बोल दो हैप्पी बकरीद। तो वहाँ पर हम लोग दो दिन ठंड में हवा में सब घूम रहे थे, फिर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। आज को यहाँ पर आज सुबह उठने के बाद हल्का सा जुकाम जैसा फील हो रहा है और ऐसे मतलब नाक भी बंद शुरू हो रही है। तो मतलब वहाँ पर नेचर में थे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन किस तरह से हमारे बॉडी को डैमेज करता है देखा आपने। मतलब दो दिन वहाँ पर हवा पूरी नाक में, फेफड़ों में, हर जगह घुस रही थी तो भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी हवा नाक में लग गई तो देखिए, तो कोई बात नहीं, अभी पोल्यूशन के लिए ज़्यादा कुछ कर तो नहीं सकते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ। मंडे मेरा स्टार्ट होगा तो मैं नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आप सभी के लिए एडिटिंग जोरों शोरों पर चालू है क्योंकि दो दिन की जो स्पेशल एडिटिंग है वो होनी है, तो उसकी एडिटिंग चालू है। बहुत जल्दी आपको मेरे ये सारे व्लॉग्स, जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक तो आप एक व्लॉग मेरा लोनावला वाला देख चुके होंगे। और न्यू अगले ट्रिप की प्लानिंग भी चल रही है तो सारे चीज़ें एकदम बैलेंस में चल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने सैटरडे संडे क्या किया, आप कहाँ घूमने जाने वाले हैं या आप कहीं गए हैं तो प्लीज़ मुझे सजेशन में बताइएगा कि मुझे वो रिसॉर्ट या वो होटल ट्राई करना चाहिए। अगर वो नियर बाय मुंबई हो तो अच्छी बात है, तो मुझे बताइएगा आपका सजेशन, ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।